ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जेडीयू और बीजेपी के बीच अचानक से बिहार की सियासत में तलखी बढ़ गई है। सरकारी कार्यक्रमों में जहां जेडीयू के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं, वहां पर बीजेपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री नहीं जाते हैं। वहीं जहां बीजेपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री जिस कार्यक्रम में होते हैं, उस कार्यक्रम से नीतीश कुमार और जेडीयू कोटे के मंत्री दूरी बना लेते हैं। इन सब के बीच अचानक से बड़ी खबर आ रही है जहां जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं। जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं, 28 तारीख को जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं और तमाम स्थिति पर जेपी नड्डा की पैनी नजर बनी हुई है। जब पटना जेपी नड्डा आएंगे, तब वो बीजेपी के एमपी और एमएलए के साथ लंबी वार्ता करेंगे, हाई लेवल मीटिंग करेंगे और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 28 सितंबर को पाटलिपुत्र की पावन धरती पर पधार रहे हैं। जेपी नड्डा जी सदस्यता अभियान के अंतर्गत सभी प्रदेशों में समीक्षा के लिए जा रहे हैं। उसी के क्रम में बिहार में भी 28 सितंबर को उनका आगमन हो रहा है। 28 सितंबर को वो बिहार में बिहार के सभी विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी की विधान पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ पटना के प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे और कैसे सदस्यता को आगे बढ़ाया जाए और जो सदस्यता चल रहा है उसको लेकर के वो समीक्षा करेंगे। इसी के नियमित आदरणीय नड्डा जी पटना आ रहे हैं। न किसी को कम न किसी को थोड़ा ज़्यादा पाया, जिसका भी पूछ उठाया मादा पाया। कुछ ऐसे ही हालात बिहार बीजेपी के हैं। वैसे बीजेपी का चरित्र भी यही है। अब जरा देखिए ना, नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को भाव देना बंद क्या कर दिया कि अब जेपी नड्डा साहब का बिहार का दौरा हो गया। अब जरा समझिए, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये हाई लेवल मीटिंग अपने विधायक और सांसदों के साथ नहीं, अपितु नीतीश कुमार जी का पैर पकड़ने जेपी नड्डा साहब बिहार आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी जेडीयू के बीच बड़ी तलखी के बीच अचानक जेपी नड्डा का बिहार आना संयोग है या प्रयोग, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच जनसुराज भी ये मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार आगे चलकर यू टर्न ले सकते हैं और जनता जो है वो विकल्प की तलाश में है। जनसुराज की तरफ से विवेक क्या कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता जरा सुनिए। भाजपा और जेडीयू में ऑल इज नॉट वेल। भैया बिहार में तो पिछले 40 साल से नथिंग इज वेल। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से बिहार में सत्ता में बैठे रहे, जनता का कुछ हो कि ना हो। अब उसके लिए उन्हें कभी राजद से गठबंधन करना पड़ जाए कि भाजपा से गठबंधन करना पड़ जाए कि किसी और से गठबंधन करना पड़ जाए। नड्डा जी इसीलिए बिहार आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को मनाएं कि भैया फिर से उछल के राजद के साथ ना चले जाए। मूल बात यह है, किसी पार्टी को बिहार की जनता की कोई परवाह नहीं है। बिहार की जनता गर्त में जाए, ये लोग बस सत्ता में बैठे रहे। इसीलिए अब बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब अपनी सरकार बनाएंगे, जनता का सरकार बनाएंगे ताकि बिहार में जनता का राज आ सके। बता दें कि सर पे बिहार का विधानसभा चुनाव है और जेडीयू बीजेपी के बीच कई मुद्दों पर तलखी है। एक तरफ जेडीयू गाहे बगाए घूम घूम कर खुद को एनडीए में बड़ा भाई बता रही है, वहीं साथ ही जेडीयू के कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टर पब्लिश किया जा रहा है कि 2025 से 2030 तक फिर से नीतीश। कुल मिलाकर बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी के तौर पर उभरना चाहती है। सीएम की कुर्सी पर बीजेपी की नजर है। देखना होगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या बिहार में फिर कोई खेल होगा या नहीं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।